हेलो, तो देखो जी आज हम कहाँ पहुँच गए हैं। वेलकम यू एट वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रोड द क्लिफ हैंगर। भाई सीरियसली में बहुत हार्ड है ये। देखो अभी यहाँ से देख लो स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग है। अभी हमने 1.5-2 किलोमीटर का पैच किया है और अभी है ना ऐसा 110 किलोमीटर का पैच करना है। हे भगवान रक्षा करना। सीरियसली बहुत मज़ा आ रहा है, बाइक भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, जितना मुझे उम्मीद थी नहीं, बट हिमालयन उससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। मिलते हैं आपसे GoPro पर। तो भाई क्लिफ हैंगर बोर्ड पे फ़ोटो करवाने थे, करवा लिए। आगे बहुत हार्ड पैच है यार। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, भाई भाई। पैर नहीं टिकाने, पैर नहीं टिकाने, बस। ओ वन मोर भाई, अपन तो इधर से चलेंगे, गिर जाऊंगा पर उधर नहीं गिरना। इधर साइड से मत निकाला करो, गिर गए ना सीधा नीचे, उधर में पैर ही तो गंदे होंगे। कोई भी है ना अकेले आने की बिल्कुल मैं सोच रहा। हवा निकल गई। ओ बाबा जी, जय बाबा जी, ओ बाबा जी। लुक, इट वॉज वेरी डेंजरस यार। Guys, look at this, यार। कुछ नहीं है, दूसरा गियर तो लग ही नहीं सकता इधर। वी गो,
यू कैन डू इट वेरी इजीली, है ना बेबी? भाई ये रोड है क्या है? अल्टीमेट मजा आ रहा है। सीरियसली गाइस, ये बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा। बीच भी बस सीरियसली पटकी लगते लगते बसती है बस। बहुत हार्ड बेबी। एडवेंचर टूरर बाइक के अलावा कोई बाइक मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। बहुत हार्ड है भाई, बहुत हार्ड है। वो लोग गाड़ी से आए थे, गाड़ी उनकी हुई ख़राब। कोई भी यहाँ हेल्प का 1% भी मतलब सोचना ही मत कि हेल्प मिलेगी। हाल हाल एक दो दिन ख़राब हो सकते हैं, वेट भी करना पड़ सकता है। ऐसा फील आ रहा है कि सुबह मैंने कुछ खाया भी था कि सुबह से भूखा ही हूँ, बट नहीं यार, इन गड्ढों में लग लग के ना सब माल बनी, जो भी खाया सब उतर गया भाई। राइडिंग शूज़, राइडिंग गियर्स ऐसे हो गए हैं भाई, कितने सालों से धोए नहीं है। और अंकल कैसे हो? और जानुम एक साथ, ये जन्नत और ये जानुम रोड भाई। पेट और पीठ में ना अब दर्द होना चालू हो गया रे यार। We'll be right back.
भाई बिल्कुल घने जंगल आ चुके हैं। यार ये रोड करना बहुत नामुमकिन है यार। चढ़ जा बेबी। ठीक है आ गया वाटर क्रॉसिंग, करते हैं इसको पार। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी अपन पहुंच चुके हैं किलर। रास्ता जितना सोचा नहीं था ना उससे ज्यादा हार्ड है। कमर बैक पेट सब में दर्द हो गया भाई। डाटा आज पता है कितना बैठा? 206 GB। मैं खुद हैरान हो गया, मैंने ऐसा क्या बना लिया। जगह ऐसी ऐसी थी कि हमने बंद करने का मन ही नहीं कर रहा। स्टिल अभी चल रहा है डाटा कॉपी। इधर चल रहे हैं आप लोगों के लिए टाइम लैप्स। जल्दी रेडी हो जाएंगे तब जरूर दिखा दूंगा। लफड़ा ये है कल की राइड इससे भी ज्यादा हार्ड है। होने को 45 किलोमीटर का पैच है, 45 आना 45 जाना, 90 किलोमीटर आज वाला पैच था ना क्लिफ हैंगर का। दुर्घटना घटी, आदमी घटा, और कितने हिस्सों में बटा ये भी नहीं पता। बट सीरियसली बहुत हार्ड था आज कितना आज का तो। और मैं आपको दिखाता हूँ गियर्स के हमारे क्या हाल हो गए हैं, इश्यूज का हाल हो गया हमारे। भाई गियर्स का क्या हुआ? वो भी बोलेंगे कहाँ आके फंस गए। आके फंस गए, कैसे ले लिया? आपको कैसा लगा ये पैर? मजा आ गया, बस एक आध हड्डी इधर उधर हो भी गई होगी तो सुबह पता चलेगा इतनी हली है। अच्छा अभी नहीं पता लगेगा? नहीं अभी कहाँ, अभी तो वाइब्रेशन ही खत्म होने के बॉडी के। तो जो भी किश्तवाड़ करने की सोचे या फिर किलारी किश्तवाड़ सच पास का कुछ करने का सोचे ना भाई, सोच समझ के करना, बहुत डिफिकल्ट है। बाकी आपको वीडियोस देख लग गया होगा और बचा कुचा लग जाएगा। अभी अपन जा रहे हैं किलार लोकल घूमने के लिए। ट्राई करूँगा साथ में लेके जाऊँ कैमरा, आपको भी घुमाऊँ। का लोकल मार्केट घूमने, यहाँ की बहुत फेमस शॉप है पकौड़े समोसे और ये सब की। ट्राई करने का सोच रहे हैं और ऑर्डर दे दिया है, अभी गरम वरम करके देंगे। और यहाँ क्या स्पेशल है क्या नहीं है वो सारा कुछ पूछ के खा के और आपको भी खिलाते दिखाते हैं, फिर चलेंगे आगे घूमने। अपन ने कर लिया है नाश्ता, चाय समोसे पकौड़े जलेबी सब कुछ ठीक था, बट जो यहाँ की चटनी थी ना वो बहुत डिफरेंट स्टाइल की थी, आज से पहले मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। और तो और समोसे या छोले के साथ भी सर्व किए जाते हैं, फर्स्ट टाइम मैंने देखा। लिटरली मैंने चटनी के साथ खाया बट मुझे मज़ा आ गया। ये ऑन रोड पर पड़ता है अपना, जब आप किलर के लिए ऊपर आएंगे बस स्टैंड सर्किल आएगा, बस स्टैंड सर्किल से पहले ही पड़ेगा आपके लिए। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको यहाँ जो चाय समोसा था वो भी अच्छा लगा होगा। भैया आज आपको एक है ना बहुत अलग लेवल की बात बताने जा रहा हूँ, सोच के हैरान हो जाओगे। एक तो पहली बात मेरे पड़ोसी निकलेंगे राजस्थान के अलवर के, दूसरा आप अमेजिंग नहीं कर सकते। एक तो ये भैया, भैया आपका नाम? प्रकाश शर्मा। प्रकाश शर्मा। भैया आपका नाम? पंकज शर्मा। पंकज शर्मा,
तो भैया ये दोनों शर्मा जी भैया सोच सकते हो किस पे है, मैं तो सोच के दिमाग खराब हो गया, वो भी सच पास करके आ रहे हैं होंडा ट्विस्टर। हेड्स ऑफ इनको जो इतना हार्ड कोर मतलब ये करके आए ना, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता उस मामले में। एंड आई वॉज लाइक हिमालयन पे मैं बहुत हार्ड कर, बट नहीं यार करके ही आए भाई। भैया कैसा रहा आपका ट्रिप? भैया बहुत एडवेंचर था, बहुत मजे आए। लाइफ अगर किसी को जीनी है तो ये राइड करे, सच पास करे, क्लिफ हैंगर करें, ये अल्टीमेट है। सुन लिया होगा शायद आपने, दूसरा मैं पंकज भी ऐसे कर रहा था, दोनों ने मिलकर राइड करी है, बोल रहे हैं कि भाई कभी मैं धक्का दे रहा था, कभी मैं धक्का दे रहा था। अब मैं सोच रहा हूँ क्लिफ हैंगर इजी था या वो इजी था? अभी देखो कुछ नहीं कह सकते, इन्होंने क्लिफ हैंगर किया नहीं है, मैंने सच पास नहीं किया, तो हम एक दूसरे की बातों को जो जज कर रहे हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है सच पास ज्यादा हार्ड है अबाउट क्लिफ हैंगर। इन्होंने मेरे को एक दो वीडियोस दिखाई, हाँ डर लगता है थोड़ा सा, बट उससे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। अब मैं बात कर रहा हूँ पंकज भैया, पंकज भैया का क्या सीन रहा और कैसा रहा? कैसा रहा आपका मतलब ये सच पास का ट्रिप? सच पास हमारा अच्छा था। और देखो एक बात है, बाइक कोई मायने नहीं रखती, आदमी की हिम्मत और ड्राइवर की हिम्मत है वो मायने रखती है। आप ढंग से चलाओगे तो कोई सी बाइक पे चला सकते हो, बस थोड़ा सा क्या है आपके पास पावरफुल बाइक है थोड़ा सा एडवांटेज होता है, पिकअप अच्छा मिलेगा वो मिलेगा, और कम किए तो पिकअप कम मिलेगा, आप थोड़ा सा चलो चलोगे, पर ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है बाइक का, माइंड का गेम है सारा। वो चीज भी आपने जाहिर कर दी आज कि ये सारा गेम जो होता है वो माइंड का गेम है। मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो आए नहीं बिकॉज ऑफ सच पास, कि जब उनको पता लगा कि सच पास जा रहा हूँ और दोनों ने आने से कतराया। तो भाई उमर बाइक कभी भी कोई साथ नहीं, एज 49, कैन यू इमेजिन सच पास, वो भी ऐसा प्लियन 100cc की बाइक पे, आई डोंट थिंक सो। एनीवेज इनका सामान मतलब 100cc में से अगर तीन सवारी हो तीन पे डिवाइड किया जाए पहाड़ों पे, यार अमेजिंग यार भैया, यार सीरियसली यार हैट्स ऑफ यार, मतलब भाई दिमाग से ना अभी भी बात मेरी तो हट नहीं रही है। मैं अगर सपने में भी सो जाऊंगा ना, मैं नहीं सोच सकता सपने में, और खास करके मैं उसी को ये एक कर रहा हूँ। अंकित शायद आप समझ पा रहे होगे, यू हैव अ हिमालयन बट यू डोंट हैव अ हार्ट और माइंड, कि आप सोचो कि कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कुछ समझो, सोचो, जिस पर्पज से आपने अपनी बाइक लिए करो, थिंक अबाउट दिस। भैया मेरी सभी से एक रिक्वेस्ट हो रही है, हमारा साहिल भाई बहुत अच्छा है, प्लीज इनका जो चैनल है वंडर डॉट साहिल, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट भैया, थैंक्स अ लॉट। इनके साथ लिटरली रह के मेरे को बहुत मजा आ रहा है। एक कहते हैं ना जोड़ीदार मिल जाना, हाँ मुझे यहाँ आके भी अपने शायद एक जोड़ीदार मिल गए। और हम पड़ोस के वैसे हैं, पड़ोस के वैसे भाई, राजस्थान राजस्थान, बस ज्यादा दूर नहीं है 100 किलोमीटर, दैट्स ऑल। कभी आगे प्लान साथ में ट्रिप करेंगे, अब तो शायद नेक्स्ट ईयर, चलो तो नेक्स्ट ईयर। इनका लद्दाख का है, अपना नहीं है बट अपन बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लद्दाख तो अपनी फेवरेट जगह है। चलो आज का वीडियो करते हैं आज एंड, देखते हैं सुबह का क्या मौसम रहेगा, उसके हिसाब से निकल लेंगे। अगर मौसम रहा खराब, कल अपन चारों यहीं पर ही हैं, मैं पंकज भैया और दूसरे वाले भैया और अपने की भैया, करते हैं साइनिंग ऑफ। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज लाइक करना, कॉमेंट करना, जो भी इस चैनल पर नया है ना छोटे भाई को सपोर्ट करके सब्सक्राइब कर। बाय।